मोहल्ले की बहू। कर्मपुरा मुश्किल से 10 घरों का मोहल्ला था। सभी घर आपस में मिलजुल कर रहते। उस मोहल्ले में कोई भी घर अपने बेटे की शादी नहीं करता था। कारण थी ये कांता। क्या है, सारा दिन बैठकर ठूंसती रहती है बुढ़िया, लेकिन काम के नाम पर तो हाथ नहीं चलते इसके। तभी पड़ोस की मीरा बहन आ जाती है। अरे बहू, वो तुम्हारी सास को जरा मंदिर ले जाना था, पंडित जी ने बुलाया है। एक तो शीला चाची, रोज रोज उठकर हम लोगों के घर ना आ जाया करो। मैं तो इस मोहल्ले से परेशान हूँ, जब देखो तब परिवार की तरह घर में घुसा रहता है पूरा मोहल्ला। बहू, मैं मंदिर जाऊँ प्लीज? नहीं, जब तक पूरे घर का पोछा नहीं हो जाता कहीं नहीं जाना, नहीं तो केस कर दूंगी पूरे मोहल्ले पर कि मुझे चांद से मारने की कोशिश करते हैं सब। दूसरे घर में, माँ मेरी शादी करा दो ना, देखो ना कितना बड़ा हो गया हूँ मैं, नौकरी भी अच्छी करता हूँ। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, क्या मैं जीती अच्छी नहीं लगती? ये बहू नाम की चिड़िया आ तो जाएगी लेकिन पूरा घर बर्बाद कर देगी। देख रहा है ना शीला चाची का हाल, हम चाह कर ना मदद कर सकते हैं ना ही उनके पास जा सकते हैं। माँ मैं भी कांता भाभी की हरकतें देखकर डरा रहता हूँ, बेचारे भैया भी भाभी से इतना डरते हैं कि क्या कहना। तो फिर क्यों जिद करता है शादी की? नहीं नहीं माँ ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा ही हाल मोहल्ले के दूसरे लड़कों का भी था। तो वहीं कांता अपने पति से कहती है, क्या है ये ऑफिस से रोज देर से आते हो, पीछे तुम्हारी माँ ने जीना हराम कर रखा है। पति बेचारा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप काम करता रहता है कि कांता बहू की बेटी आ जाती है। माँ कुछ खाने को दो ना, भूख लग रही है। अरे तो मैं क्या करूँ, तेरा बाप आया ही देर से है, अब भगवान जाने कब खाना बनाएगा। एक तेरी दादी है, क्या पता क्या करती रहती है। कैसी बात करती हो माँ, दादी सारा काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, पानी भरती है, हम लोगों का कितना ख्याल रखती है, हम लोगों को तो पढ़ाती भी दादी ही है। बस ये बात सुनकर कांता को आ जाता है गुस्सा। वो बेटी पर जोर से चिल्लाती है, छोटी सी लड़की की इतनी लंबी जुबान, वाह दादी पर गई है पूरी। अरे कांता प्लीज थोड़ा तो ठीक व्यवहार किया करो, देखो पापा नहीं है, माँ को इतना परेशान करना। क्या क्या क्या, क्या बोले तुम, कैसे जबान चल रही है तुम्हारी। हाँ साफ साफ कह रही हूँ मैं, ये माँ वाला राग अलापा ना करो मेरे आगे। हाँ पति माँ की तरफ देखता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। दुकान पर उसे मोहल्ले के दूसरे लड़के मिलते हैं। क्या पंकज भैया, तुम्हारी शादी से पूरा मोहल्ला डरा हुआ है, भाभी पहली बहू थी मोहल्ले की, लेकिन ये रूप बहू का देख कर तो कोई अपने बेटे की शादी नहीं करवा रहा है, लगता है अब तो कमारा ही मरना पड़ेगा। अरे क्या बताऊं यार, औरत का ये रूप भी होता है, मैं नहीं जानता था, माफ करना मुझे, मैं घर जा रहा हूँ, माँ अकेली है, पता नहीं क्या कर रही होगी मैं माँ के साथ। वो घर जाता है और देखता है कि माँ पिता की फोटो पकड़कर रो रही होती है। अरे क्या हो गया माँ, रो क्यों रही हो, कांता ने फिर कुछ कहा क्या? अरे नहीं बेटा, आज तेरे पिता की बरसी थी, पंडित जी ने न्योता भी भेजा था लेकिन बहू ने जाने नहीं दिया, पता नहीं उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तभी वहाँ बहू आ जाती है। आप भी चली जाइए ना, मिल जाएगी शांति दोनों को। इस बार हद हो चुकी थी, पंकज बीवी को जोर से डांटता है और घर से निकल जाने को कहता है। अब मैं किसी भी हाल में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, निकल जाओ यहाँ से। तभी कांता किसी को फोन लगाती है और घर में पुलिस आ जाती है। क्या बात है, यहाँ से खबर आई है कि बेचारी बहू को परेशान किया जाता है, क्यों भला क्या हो गया, लेकर चले गया थाने में। पुलिस को देखकर मां डर जाती है। नहीं नहीं हम लोगों को माफ कर दीजिए बहू, प्लीज इन लोगों को यहाँ से भेज दो, हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगी। पुलिस चली जाती है। बाहर खड़े सारे पड़ोसी देखते रहते हैं और समझ जाते हैं कि मामला क्या हो सकता है। रवि बोल पड़ता है, माँ मैं शादी करूंगा और देखना ऐसी लड़की लाऊंगा जो इस कांता को सबक सिखा देगी। और फिर रवि की शादी होती है शिखा से।
शिखा पढ़ी लिखी समझदार लड़की होती है। उसे रवि शादी के बाद सारा मामला समझा देता है कि अगले रोज वो कांता के घर जाती है। कौन रहता है यहाँ? कांता की सास निकलकर सामने आती है। बेटा शिखा, ये मेरा मकान है, मैं यहाँ रहती हूँ। शिखा कांता की सास के पैर छूकर उन्हें चुप रहने का इशारा करती है। मैं कहती हूँ, कौन है इस घर में? मैं बुजुर्गों से बात नहीं करती हूँ। कांता निकलकर सामने आती है। मैं रहती हूँ। और हाँ, सुना है बहू है तू इस मोहल्ले की। देख अंदर आ जा, मेरे पास तेरे लिए आइडिया है। ऐसा मंत्र दूंगी कि पूरी जिंदगी ऐश करेगी ऐश। हाँ आ जा। मेरी ऐश छोड़, तू कान खोलकर सुन ले। कल से तेरे घर का कचरा मेरे घर के सामने आया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। अरे बड़ी बदतमीज हो, एक तो मैं प्यार से बात कर रही हूँ, ऊपर से। अरे देख, तेरा प्यार ना अपने पास रख। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं पहलवानी में, दो चार हड्डी तो मैं ऐसे ही हाथ मिलाकर तोड़ सकती हूँ। कांता डर जाती है। मैंने क्या किया? क्या किया क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन सुन, आज से सास को परेशान किया तो तेरी खैर नहीं। और हाँ, बाप मेरा पुलिस वाला है। पापा पुलिस वाला? हाँ, और सुना है इस घर में रोज पुलिस आती है। फर्जी कंप्लेन कर पुलिस को परेशान करने वाली तू, तेरी तो खैर नहीं। अब पुलिस को बुलाया तो तेरी सात पुश्ते जेल में रहेगी। कांता डर कर अंदर चली जाती है। शाम को कांता पति से कहती है, वो पड़ोस वाले रवि ने शादी कर ली क्या? हाँ, सुना है किसी बड़े पुलिस वाले की बेटी है और पहलवानी में भी हाथ आजमा चुकी है। हाँ हाँ पता चल रहा था, आई थी मिलने। अरे बहू, वो समाज सेविका भी है, कई पुरस्कार मिले हैं उसे समाज की सेवा में। कल उसने मोहल्ले वालों को बुलाया है नीम के पेड़ के नीचे, चलेंगे हम भी। हाँ जाना तो पड़ेगा ही, देखते हैं मामला क्या है जो मोहल्ले को एक करने में लगी है। अगले रोज सास बहू को लेकर वहाँ पहुँचती है जहाँ शिखा ने मोहल्ले वालों को बुलाया होता है। तो ये कागज है, सभी के पास एक एक करके आएगा। कांता बहू, जो कि मोहल्ले की कलंक है और उसे हमें साफ करना है। दूर खड़ी कांता सब सुन रही होती है। माजी, ये मेरे बारे में बात कर रही है? वो अकेले कैसे पूरे मोहल्ले को डरा कर रख सकती है? कानून अगर बेचारी बहुओं के साथ है तो असहाय असमर्थ सास के साथ भी तो है। हम सभी शीला चाची के साथ हैं। आज से रोज गांव की एक महिला उन लोगों के घर में धरना देगी। अगर कांता किसी भी तरह से सास को या पति बच्चे को परेशान करती दिखी तो पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ पुलिस के पास जाएगा और इस काम में मदद करेंगे मेरे पिता। ए बुढ़िया, चल आज ही मोहल्ला बदल लेते हैं। सास भागकर शिखा के पास पहुंचती है और माइक लेकर कहती है, ये घर ये मोहल्ला मेरे पति ने बसाया था, मैं ये परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और आज से मैं किसी से नहीं डरूंगी क्योंकि मोहल्ले की बहू शिखा मेरे साथ है। और फिर क्या, कांता डर के मारे घर चली जाती है और फिर कभी किसी को नहीं सताती।